गाइस कैसे हो आप। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कैसे करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें। हम दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सर्च करेंगे वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन उसके बाद गाइस इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों ओपन पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों थोड़ा वेट करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे गाइस ऐप ओपन हो चुका है दोस्तों। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस साइड में नेक्स्ट है, इस पर क्लिक मारेंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इस ऐप को आप किस लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। गेट स्टार पर क्लिक करेंगे। उसका गाइस ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद गाइस यहाँ पर ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्री फॉर्म 8 नंबर, इस वाले को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके वोटर आईडी कार्ड से लिंक है। उसका दोस्तों सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी डालेंगे। उसके बाद गाइस पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने का दोस्तों फिर से वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस ये वाला सेलेक्ट करेंगे हम करेक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म 8, इस वाले को सेलेक्ट करेंगे। उसका दोस्तों इसको पढ़ने के बाद डेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस आपसे पूछा जा रहा है अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यस पर क्लिक करेंगे वरना नो पर। जैसे गाइस यस पर है नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे गाइस अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। उसका दोस्तों पैक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसका गाइस डिटेल्स चेक करने के बाद दोस्तों प्रोसेस पर क्लिक करेंगे हम। गाइस नेक्स्ट पर जैसा ओपन हो चुका है यहाँ पर दोस्तों सारी डिटेल्स हो जाएगी आपका। यहाँ का इसे अगर आपकी डिटेल्स है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस मोबाइल नंबर डालेंगे। उसका दोस्तों कोई नहीं डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं हम। उसका दोस्तों सारी डिटेल डालने का दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे वाला को सेलेक्ट करेंगे करेक्शन ऑफ एंट्री इन इलेक्ट्रिक रोल, ये वाले को सेलेक्ट करेंगे। उसका दोस्तों नीचे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस जैसे आपको जो भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे गाइस हम अपना वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर लिंक क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस जो आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर डालेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस देख सकते हो ओटीपी वेरीफाई हो चुकी है। ओटीपी नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे गाइस आपका नाम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। गाइस यहाँ पे अपना प्लेस डालेंगे। प्लेस डालने के बाद दोस्तों आपका डन पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों फिर से आपकी सारी डिटेल्स हो जाएगी गाइस। अगर आपकी डिटेल्स है तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे। गाइस देख सकते हो हमारा वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है। उसका दोस्तों हम रेफरेंस आईडी भी मिल चुके हैं। उसका दोस्तों इस रेफरेंस आईडी से हम ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।